एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्सोनॉमी और नॉमन से रिलेटेड एक कंटिन्यूस टॉपिक दैट इज़ जिसकी मैंने पहले पार्ट वन जो है वो अपलोड ऑलरेडी कर रखा है उससे रिलेटेड आज पार्ट टू जो है वो हम डिस्कस करेंगे सो so, uh, पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि साइंटिफिक नेम्स जो है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है इट इज़ कौन कौन से रूल्स हैं जो उनके uh, लिए बनाए गए हैं बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ द आई ओके okay, और उसके अंदर भी हमने इस्पीसीज़ के नेम को जो है वो डिस्कस किया था कि कौन कौन से रूल्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि वेदर एक स्पीसीज़ का नाम जो है वो कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए आज हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ अनदर टाइप दैट इज़ द इंफ्रा स्पेसिफिक ग्रुप नेम इंफ्रा स्पेसिफिक ग्रुप नेम की बात आने से पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली ये होते क्या हैं तो इनकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें सो एनी फॉर्म ऑफ स्पीसीज़ अदर देन द सब स्पीसीज़ ओके इंक्लूडिंग द सीजनल फॉर्म्स और माइनॉरिटी के कुछ एलिमेंट्स छोटे मोटे जो होते हैं उन्हें इन्फ्रा स्पेसिफिक ग्रुप माना जाता है और इन्फ्रा स्पेसिफिक ग्रुप में भी जैसे कि अगर हम बात करें शुरुआत में क्या था दैट इज़ लीनियस के टाइम से ही चलता आ रहा है कि खाली सब स्पीसीज को ही स्पीसीज के अंदर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का दर्जा जो है वो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया उन्हीं को ही है नॉमन क्लिचरी क्लचरली रिकग्नाइज भी किया गया उन्हीं को जो है जो है वो भी उनकी उपाधि भी जो है दी गई लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि कुछ ऐसे वेरिएंट्स थे इंडिविजुअल वेरिएंट्स थे जिनको जो है इंफ्रा सब स्पेसिफिक इंफ्रा स्पेसिफिक ग्रुप्स जो है वो कहा गया जैसे कि काफ़ी बार क्या है कि ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो डिस्कवरी करते जाते हैं इंडिविजुअल्स की करते जाते हैं और उनके जो है वो डिफरेंट नेम्स जो है वो भी रखते जाते हैं इंडिविजुअल वेरिएंट्स के और एक्चुअल में वो क्या होते हैं दे आर ओनली नॉन रैंडम सैंपल्स विद इन द पॉपुलेशन स्पीसीज़ के सब स्पीसीज़ की पॉपुलेशन में ही इंडिविजुअल वो होते हैं जैसे कि फ़ीमेल्स हैं फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्पीसीज़ की सो फॉर ए इंस्टेंस वो एक पॉपुलेशन का ही हिस्सा है ओके okay, वो डिफ़रेंट नहीं है एज अगर हम कहें ओके okay, एक अपनी कैटेगरी से लेकिन फिर भी वो मेल से तो डिस्टिंक्ट है ही मेल से तो डिफरेंट है एंड एज ए रिज़ल्ट उनको जो है वो अलग कैटेगरी में दैट इज़ इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी जो है उनमें रख दिया जाता है या फिर इमेच्योर स्टेजेस कई ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं उनके अंदर वो स्टेज देखने को मिलती है तो उसे भी इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी में जो है वो रख दिया जाता है और मेन बात ये है कि ये जो कैटेगरीज़ हैं ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज नहीं होती इने जो है रिकग्निशन इतनी नहीं मिल पाई है बट दे आर जस्ट रैंडम सैम्पल्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इतनी ही बात जो है वो इससे रिलेटेड है अब आता है हमारा बेसिक प्रोसीजर दैट इज़ रिलेटेड विद इंफ्रा स्पेसिफिक ग्रुप की कैसे जो है इनकी नेमिंग होती है तो मेन चीज़ जो है वो क्या है कि इंफ्रा इंफ्रास्पिस का काम ये है ओनली दो स्ट्राइनोमियल्स प्रपोज आफ्टर जनवरी वन नाइनटीन फिफ्टी वन हैव द स्टेटस अंडर द रूल्स विच आर क्लियरली इंडिकेटेड एज न्यू सब स्पीसीज़ बाय द ऑथर मेन चीज़ क्या है जनवरी वन नाइनटीन फिफ्टी वन के बाद में प्रपोज किए गए जो नाम है विद इन द पॉपूलेशन जो रैंडम आपके इंडिविजुअल्स किसी ऑथर ने अगर उनकी नेमिंग की भी है ओके और जो सब स्पीसीज के अंडर में आते हैं उन्हें ही जो है कंसिडर जो है वो किया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर नाम के लिए ओके दैन सेकेंड थिंग इज द नेम ऑफ एन इंफ्रा सब स्पेसिफिक फॉर्म दैट इज एलिवेटेड टू सब स्पीसीज रैंक डेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच एलिवेशन एंड हैज़ एन ओथर द पर्सन हु प्रपोजिज द चेंज ऑफ द रैंक सो बेसिकली क्या है कि ऐसा होता है काफ़ी बार कि कुछ इन्फ्रा स्पेसिफ़िक फॉर्म्स जो हैं वो डिस्कवर हो जाती हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि सब स्पीसीज से मैच करते हैं तो उनकी जो रैंक है वो ऊपर चली जाती है वो सब स्पीसीज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं तो ऐसा जो मेन जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है उस पार्टिकुलर ऑथर पर जिसने कि उसे जो है वो डिस्कवर किया है दैट इज़ द केस हेयर बेसिकली ओके देन द नेक्स्ट इज़ द नेम ऑफ इंफ्रासब स्पेसिफ़िक फॉर्म्स डो नॉट अफेक्ट द नॉमन क्लेचर ऑफ स्पेसिफ़िक नेम काफ़ी बार क्या है स्पीसीज़ के नेम तो है ही लेटर ऑन उनके नीचे सब स्पीसीज़ होती हैं सब स्पीसीज़ से नीचे आपकी इंफ्रास स्पीसीज़ होती हैं तो इन्फ्रा इन्फ्रास्पीसीज़ के नेम्स जो है कभी भी स्पीसीज़ के नेम को अफेक्ट नहीं करेंगी कि नई सर इंफ्रा इस्पीसीज अगर डिस्कवर हो भी जाती है तो वो स्पीसीज़ के नेम को जो ओरिजिनल स्पीसीज़ जो है उसके नेम को अफेक्ट नहीं करती जैसे कि एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें एक है सब स्पेसिफिक रियल मतलब कि एक पूरी आपकी पॉपुलेशन है सो so, ओके okay, और उसमें भी क्या है फर्स्ट थिंग इज़ नेमेबल व्हेन रिकॉग्नाइज्ड ओके okay, जब भी पहचानी जाएगी तभी उसका नाम जो है वो रख दिया जाएगा और उसके अंडर आएंगी आपकी सब स्पीसीज देन द the सेकेंड इज़ इन्फ्रा सब स्पेसिफिक रियल दैट इज़ पॉपुलेशन से भी नीचे का केस तो उसमें क्या है उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं नाम के लिए दैट इज़ उसका नेमिंग ऑप्शनल वाइटीज़ अगर उसके अंदर कोई और है या पहले से डिस्कवर हुई हैं ओके okay, या फिर नेमिंग नॉट एडवाइजेबल उन किन किन केसों के लिए नेमिंग जो है वो एडवाइजेबल नहीं है दैट इज़ कहाँ कहाँ जो है ये क्राइटेरिया नहीं चल पाता दैट इज़ द केस ऑफ uh, अगर वो सेक्शुअल डाइमर्फ फॉर्म है उनकी कास्ट जो है अगर वो है सेम चीज़ जैसे कि हनीबीज के अंदर होती है सोल्जर्स है वर्कर्स होती हैं तो सेम अगर कास्ट है डिफरेंट कास्ट है और स्पीसीज़ अगर सेम है तो उस केस में उनका नाम जो है वो नहीं रखा जाता देन अल्टरनेट अगर जनरेशन में वो डेवलप uh, हुई हैं तो वो उस, उस केस में जो है उनके नेम को कंसिडर uh, नहीं किया जाता सीजनल फॉर्म्स अगर हैं कुछ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं जो कि डिफ़र करती हैं फॉर्म के अंदर सो दीज़ आर ऑल द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर जो है वो आ, नेम जो है उसको एक आ, जो है कंसिडर नहीं किया जाता देन, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें सब स्पीसीज़ की ओके okay, तो सब स्पीसीज़ जो हैं बेसिकली कौन होती हैं पॉपुलेशन विच आर मोर और लेस आइसोलेटेड एज डिस्टिंक्ट है ना जोगफिकल या इकोलॉजिकल रिस के है ना डिफरेंस के कारण वो अलग होती है और अगर इनफ्रा सब स्पेसिफिक रियल की हम यहाँ पर बात करें जैसे कि नेमिंग ऑप्शनल का केस हमने देखा तो वहाँ पर जो है बहुत सारी वेराइटीज़ जैसे कि वेरायटी की अगर हम बात करें तो बेसिकली वेराइटीज़ कौन सी होती हैं जहाँ पर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन्स जो है एक सिंगल इंटरब्रिडिंग पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं जैसे कि मैंडलियन वेरिएशंस की जो डिस्कवरी थी वो इससे रिलेटेड है ओके okay, अब सेक्सुअल डाइमोफ का केस जो हमने देखा था दैट इज़ इसमें क्या है आस अलबस जो है ये नाम जो है यूज़ में नहीं लिए जाते कास्ट के केस में भी जैसे सोल्जर है तो उसके लिए अरगेट है डीएलएट है ये नाम्स जो है, नाम जो है वो बेसिकली यूज़ में नहीं लिए जाते बहुत सारे नाम हैं जो कि डिजिग्नेट किए गए हैं जो आपकी लॉ बुक है रूल बुक जो है उसके अंदर सो उनके अकॉर्डिंग जो है सब स्पीसीज जो है इन्फ्रा सब स्पीसीज जो है उनके नाम डिजिग्नेट नहीं हो पाते देन द नेक्स्ट सीनेरियो इज द जेनरिक नेम्स कि जीनस का नाम जो है वो कैसे रखा जाता है कौन कौन से लॉज हैं दैट आर डायरेक्टिंग द नेम ऑफ द जीनस ओके okay. सो so, जीनस की जब बात आती है सो इट इज द परहेप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप जो नेम्स की कैटेगरी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू जो है जीनस का नाम ही रखता है एक सिस्टमेटिक नोमन में जेनरिक नेम जो है वो ना ही केवल एक मेन स्टे है जिसके बेसिस पे जो स्पीसीज का नाम है ट्राइबल नेम जो स्पीसीज का है वो अटैस्ड है बट आल्सो ये एक फाउंडेशन भी बनता है फॉर नेमिंग द अदर हायर कैटेगरी जो आपकी फैमिली है जो आपकी क्लास है उनके नेम्स जो है वो भी जीनस के ही ऊपर डिपेंडेड होते हैं मोस्ट प्रोबेबली सो मेन मकसद जो है वो ये रहता है साइंटिस्ट का कि ये यूनिक होना चाहिए ओके okay, डिफरेंट होना चाहिए अदर जेनरिक नेम से मतलब कोई भी दो जेनरिक नेम जो है वो अपने आप में सेम ना हो ओके okay? और मोस्ट कॉमनली अबाउट टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड जेनरिक और सब जेनरिक नेम्स जो हैं वो आज तक जुलॉजी में जो है वो प्रपोज भी किए गए हैं अब मेन बात आती है कि दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं किसी भी जीनस के नेम के लिए जो कि फुलफिल करने पर ही जो है उसे जीनस की कैटेगरी में रखा जाता है दैट इज़ फर्स्ट इट मस्ट हैव बीन पब्लिश्ड पब्लिकेशन की फॉर्म में हो सेकंड अलोंग विद पब्लिकेशन उसमें एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है उसके बारे में दी गई हो दैन नेक्स्ट इज़ द अनअदर कंडीशंस एक किसी भी जीनस के नेम के लिए जो कंडीशन होती है जो कि uh, जो है रूल्स में लिखी गई है कंडीशंस जो है दैट इज़ की एक क्लियर स्टेटमेंट मतलब कि अ न्यू जीनस एक्स अस मतलब उसके आगे जो है यूएस जो है वो लगा हुआ होना चाहिए ठीक है न्यू जीनस जो है वो बनेगा दैन कोइनिंग द नेम्स डो नोट वोलेट रूल्स ओके एंड रिकमेंडेशंस जो रूल्स और रिकमेंडेशंस जो है इंटरनेशनल कमीशन जो है आपकी जूलॉजिकल नोम क्लेचर की आई सी ओके उसके द्वारा जो बनाए गए हैं उनको वो किसी भी तरीके से वोलेट ना करें उनका पूरा जो है वो फॉलोइंग होनी चाहिए देन अनएम्बिगुअस साइटेशन ऑफ टाइप स्पीसीज काफ़ी बार क्या होता है कि जेनरिक नेम जो है वो किसी भी एनिमल के जनरल काइंड को डिनोट करता है सो so, बेसिकली ये इसकी असेंशलिटी है कि ग्रुप का जो डेजिग्नेशन है जैसे कि हमारा सरनेम होता है तो वो एक तरीके से आ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है सो इट मस्ट बी नॉन कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से इजीली वो uh, समझ में आ सके और वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए जिससे कि अगर उससे रिलेटेड कोई सेम नेम जो है इन फ्यूचर अगर हो जाए या इन पास्ट भी अगर है तो वो अपने आप को चेंज कर सके दैट इज़ द केस ओके देन न्यूली प्रोपोज नेम इज़ नॉट अ हॉमोनीम और चिनोनिम सो न्यूली प्रोपोज नेम जो आपका होगा कि इन लेटर टाइम्स ओके इट मस्ट आलवेज़ भी यूज फॉर टाइप स्पीसीज तो इसको खाली टाइप स्पीसीज के तौर पर ही जो है वो यूज़ में लिया जा सकता है तो वही है अब आते हैं बेसिक रूल्स की uh, कैसे जो है जेनरिक नेम्स का फॉर्मेशन होता है दैट इज़ सिंगल वर्ड होता है कैपिटल लेटर के अंदर होता है देन इसमें है कई कई वर्ड्स जो है वो यूज़ में लिए जाते हैं दैट इज़ लेट इन नाउन ओके फाइसा हो गया साइक्लिक्स ना हो गया कंपाउंड ग्रीक वर्ड है जैसे कि स्टेनो उसका यूज़ किया जाता है लेटिव सबस्टेंट लेटिन सबस्टेंटिव वर्ड है जैसे कि डोलियम है कुछ माइथोलॉजिकल नेम्स जो है वो भी इससे रिलेटेड है जैसे कि वीनस है ऑसरिस है शिप्स के नेम जैसे कि ब्लैकिया एंड चैलेंजेरिया कुछ बारबेरियस नेम्स जैसे कि चिलोसा सो दीज आर द नेम्स ओके देन अनदर थिंग इज द होमोनिमी दैट इज़ अ जेनरिक नेम दैट हैज़ बीन यूज फॉर सम अदर जीनो ऑफ एनिमल इज़ रिजेक्टेड अगर सेम जीनस के लिए दूसरे एनिमल के लिए अगर वो हो गया दैट इज सिमिलरिटी उनमें गई तो वो रिजेक्ट हो जाएगा जैसे कि पाइकस पाइका लोरियस लोरिया तो ये जो नाम जो है वो तो वैलिड है लेकिन एग्जैक्ट सेम नाम वो अगर हो जाए दैट इज़ पाइकस पाइकस ओके लोरियस लोरियस तो वो जो है वो वैलिड नहीं माने जाएंगे दैट इज़ द केस ही नाउ द अनदर कंसेप्ट इज दैट इज़ डिवाइडिंग और combining ऑफ जेनेरा काफ़ी बार क्या होता है कि दो जेनरिक नेम्स जो है वो कम्बाइन होकर जो है नया नाम बनाते हैं तो इफ़ टू और मोर जेनेरा अगर कम्बाइन हो जाते हैं ओल्डेस्ट ऑफ द अवेलेबल उनमें पहले कौन सा आया था उसे जो है वो बैलेट बनाया जाएगा देन सब जेनरिक नेम्स जैसे कि हमारे सब स्पेसिफिक नेम थे सब जेनरिक नेम्स जो हैं उनकी कैटेगरी में अगर हम देखें दे सब्जेक्ट टू सेम रूल एंड रिकमेंडेशन जो जेनरिक नेम्स जो है जिन रूल से डिजिग्नेट होते हैं उसी के बेसिस पे सब जेनरिक नेम्स जो हैं उन्हीं को भी कंसिडर जो है वो किया जाता है दीज नेम्स आर साइटेड इन पेरेंथेसिस ओके मतलब पेरेंथेसिस के अंदर इन्हें लिखा जाता है नेक्स्ट वन इज़ देट इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट नेमिंग ओके रूल्स दैट आर आफ्टर द जेनरिक नेम हमने स्पीसीज नेम नहीं देख ली जो बेसिक रूल्स थे देन हमने जो है वो सब स्पीसीज का देखा देन हमने जीनस का देखा देन सब जीनस का देखा एंड आफ्टर दैट अब हमें देखनी है फैमिली नेम्स कि फैमिली नेम्स जो है कौन से रूल्स हैं जो कि उनको गवर्न करते हैं सो so अब फैमिली नेम की जब बात आती है तो ऑल द नेम ऑफ द कैटेगरीज जो जीनस के अब हैं वो बेसिकली यूनिनोमिनल होती हैं बाइनोमिनल या ट्राइनोमिनल नहीं होती एंड देन उनका फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि वो एक तरीके से लेबल नेम की तरह जो है वो सर्व करती हैं हायर कैटेगरीज़ के लिए जिनके अंदर स्पीसीज़ जो है उन्हें क्लासिफाई किया जाता है अब मेनली जो है इनका नाम जो है बेसिकली प्रूरल के अंदर ही होता है और इनकी जो जो है नेम जो है वो डिजिग्नेट करती है या स्पेसिफाई करती है उनकी रैंकिंग को ओके एंड अनदर थिंग इज़ कि फैमिली नेम्स जो है बेसिकली लीनियस के टाइम तक जो है वो यूटिलाइज नहीं किए गए थे बट आफ्टर हिम आफ्टर लीनियस इनका जो है यूज़ जो है वो काफ़ी देखने को पाया गया इन द सिस्टम ऑफ नॉमन क्लेचर एंड बेसिकली ये जो है फैमिली का जो नेम है उसका यूज़ जो है वो इंसेक्ट्स के केस में जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज़ उनमें जो है Uh, बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट होती है तो इवन एक प्रोफेशनल एंटोमोलॉजिस्ट जो है वो भी फैमिली नेम्स के ऊपर ही रिलाई करता है इंसेक्ट्स के केस में अपने ऑल दो वो उसकी स्पेशल फील्ड है तो भी ओके बिकॉज ऑल द फैमिलीज़ जो हैं इंसेक्ट्स की वो एक इमीडिएट विसिनिटी में होती हैं वेरी दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर तो एंटोमोलॉजिस्ट को डिसाइड करना कि दैट विच इंसेक्ट्स बिलोंग्स टू विच फैमिली सो इट विल भी हेल्पफुल फैमिली नेम्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं सो so, अब बात आती है फैमिली नेम्स के फॉर्मेशन के सो लेटरेली दैट इज़ इन सेवनटीन नाइनटी सिक्स व फर्स्ट टू अप्लाई फैमिली कंसेप्ट टू इंसाइड जैसे कि इंसेक्ट में हमने देखा था कि भाई इंसेक्ट में ही जो है सबसे पहले ये केस अप्लाई हुई थी द नेम ऑफ अ फैमिली फॉर्म्ड बाई एडिंग द एंडिंग एडे और सब फैमिली जो है उसके आगे लगता है इन्हें ओके okay. अब टाइप जीनस का सिलेक्शन जो है वो कैसे होता है कि कैसे पता चलता है कि किसके बेस पे जो है किस जीनस के टाइप पे जो है वो फैमिली जो है वो डिसाइड होती है तो फैमिली नेम वुड बी चेंज्ड व्हेन एनी जीनस विद एन ओल्डर नेम इज़ एडेड टू द ग्रुप कोई पुराने नाम कोई पहले से डिस्कवर अगर कोई नेम है और जीनस का ही और फैमिली का नेम भी अगर सेम ही है तो फैमिली के नेम को चेंज किया जाएगा जीनस के नेम को चेंज नहीं किया जाएगा देन दे आर वुड बी नो परमानेंट कंसेप्ट ऑफ फैमिली टाइप फैमिली टाइप का कोई एक परमानेंट कंसेप्ट नहीं है ओके उसमें चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं ओके इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन वुड प्रोड्यूस होल सेल चेंजेस इन नॉर्मन कल्चर इसका एप्लीकेशन अगर हम करते रहेंगे तो एक नॉमन कल्चर में चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं ठीक है देन चेंजिंग ऑफ फैमिलियल नेम्स सो नेम ऑफ अ फैमिली और अ सब फैमिली इज़ टू बी चेंजड वेन द नेम ऑफ फिट्स टाइप जीनस चेंज क्योंकि जीनस के ऊपर फैमिली डिपेंडेड है बहुत सारे जीनस के अंदर जो है वो जीनस के अंदर बहुत सारी फैमिलीज आती हैं ओके okay, तो अगर जीनस का नाम चेंज होगा तो एज अ रिजल्ट फैमिली का नाम जो है वो भी चेंज होगा दैन कुछ जनरल रिकमेंडेशंस और भी जो है आईसी जेड के द्वारा जो है वो दी गई हैं दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ फैमिली किसी भी फैमिली का जो टाइप उसका जो ओरिजिनल स्पेसिमेन है जिसके बेसिस पर उसे आइडेंटिफाई किया गया था वो जीनस ही होता है फर्स्ट फैमिली नेम प्रपोज एंड फॉर्म्ड फ्रॉम द वैलिड जेनरिक नेम शेल स्टैंड मतलब सबसे पहला जो नाम अगर उसका रख दिया गया तो वही वैलिड होगा और माना जाएगा देन इफ़ टू और मोर फैमिलीज आर यूनाइटेड सो फैमिली नेम फर्स्ट प्रपोज टेक प्रेसिडेंस तो दो फैमिलीज थी एक पहले डिस्कवर की गई दूसरी बाद में अब दोनों को मर्ज कर दिया गया कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ मिली जो दोनों में सेम थी नाउ इट्स टाइम कि उन्हें एक बनाया जाए तो अब नाम क्या रखा जाए नाम जो है फर्स्ट का जो था अर्लियर जो थी जो ओल्डेस्ट जो थी उसी को ही प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी ठीक है देन हमने बात कर ली दैट इज़ स्पीसीज जेने जेनेरा की हमने बात कर ली देन फैमिली की हमने बात कर ली अब आती है दैट इज़ द नेमिंग ऑफ ऑर्डर क्लासेस एंड फाइला दैट इज़ इन दीज नेम्स आर नॉट टाइड टू अर टाइप जैसे कि हम स्पीसीज में बात करते आ रहे थे जीनस में भी हमने बात करी और फैमिली में भी हमने बात करी कि उनको जो है एक टाइप स्पेसीमेंट से जो है वो टाइड रखा जाता है उनसे रिलेट किया जाता है उसी के बेसिस पर जो है उसके नेमिंग जो है उनमें जो है वो रोल हमें देखने को मिलता है ओके okay, मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि नेम्स आर सिंगल वर्ड अगेन ऑफ क्लासिकल ओरिजिन एंड डिस्क्रिप्टिव होते हैं इन जनरल वे में प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी हैज़ नॉट बीन यूनिवर्सली अप्लाइड फॉर इंसेक्ट ऑर्डर तो इंसेक्ट के ऑर्डर में जो है वो वहाँ पर प्रायोरिटी का जो प्रिंसिपल है वो नहीं देखने को मिलता कुछ कॉमन सेंस रूल्स हैं जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सो हायर ग्रुप्स के नेम की बात जब भी आती है दैट इज़ वो आज भी ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं है इंटरनेशनल रूल्स के अंदर उनको जो है लीनियस के द्वारा ही यूज़ किया गया था इन 1758 फिफ्टी एट सो बेसिकली लीनियस ने ही जो है वो सिक्स क्लासेस जो है वो रिकग्नाइज की थी एनिमल के लिए ओके okay, तो उन्होंने मेमेलिया एवीस एम्फीबिया पीसीस इंसेक्टा और वर्मीज जो है क्लासेज बताई थी और विद इन दीज क्लासेज उन्होंने जो है फिर ऑर्डर्स जो हैं वो भी बताए थे सो so, जैसे कि इंसेक्टा की अगर हम बात करें तो उनमें एट दैट टाइम लिनियस ने एट ऑर्डर सेवन ऑर्डर्स जो हैं वो बताए थे दैट इज सिलियोप्टेरा हेमिप्टेरा लेपिडोप्टेरा न्यूरोप्टेरा हाइमेनोप्टेरा और डिप्टेरा जो कि आज भी रिकगनाइज़ किए जाते हैं सेम सेंस में ओके okay, कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन मेन जो है पर्पज़ जो है वो उन औरजनल प्रपोजल जो है उनका वो सेम ही है लास्ट वन इज़ द सेवंथ ऑर्डर जो आपका एप्टेरा ऑर्डर है जो कि लीनिस के द्वारा बताया गया था वो अब ब्रोकन डाउन हो चुका है काफ़ी सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स के अंदर सो so बेसिकली बात ये है कि डिस्पाइट द लैक ऑफ रूल्स गवर्निंग फॉर्मेशन एंड यूज़ ऑफ हायर ग्रुप नेम्स हायर ग्रुप नेम्स से रिलेटेड कमी हो के जो रूल्स हैं उनकी कमी के बावजूद भी एक सरप्राइजिंग डिग्री जो है स्टेबिलिटी की वो जो है अचीव हो चुकी है और आज अगर हम देखें मोस्टली जो आपकी जनरल टेक्स्ट बुक्स हैं इवन हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर भी क्या है कि फ़ाइल है क्लासेस हैं और इवन छोटे छोटे ऑर्डिनल नेम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं क्लासिफिकेशन जो है अप टू दैट लेवल जो है हमें देखने को मिलता है ओके okay, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कॉमन सेंस रूल्स जो कि रिलेटेड हैं ओके दैट इज़ टू फाइलम क्लास एंड ऑर्डर सो फर्स्ट हायर ग्रुप नेम प्रपोज इन एन अनएम्बिगुअस मैनर शुड बी एक्सेप्टेड रिगार्डलेस ऑफ एंडिंग मेन चीज ये है okay, so uh, हाईएस्ट ग्रुप जो है अगर उसको नेमिंग दे दी गई कन्फ्यूजिंग है उसका नाम थोड़ा मैलर उसके प्रॉपर्टीज़ जो है फिर भी उसे जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा देन द ऑथर एंड द डेट ऑफ द हायर ग्रुप नेम शुड बी साइटेड कि ऑथर कौन था जिसने ये नाम रखा हायर ग्रुप का एंड एट विच डेट वो नाम जो है वो रखा गया तो उनकी जो है प्रॉपर जो है वो डिटेलिंग जो है वो होनी चाहिए अब है फैमिली का जैसे हम बात करते हैं सो दिस इज़ लाइन uh, डायग्राम हम वेखें चार्ट के फॉर्म में है कि फैमिली फैमिली में दो जीनस आ गए जैसे जीनस वन एंड जीनस टू फिर जीनस में भी स्पीसीज आ गई दैट इज स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू और जीनस वन टू के अंदर भी आपकी स्पीसीज आ गई दैट इज स्पीसीज वन ओके सो ये अगेन एक डायग्राम है दैट इज़ विद इन अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन जिसमें आपके फ्रॉम फाइलम टू जीनस जो है क्लास टू सब जीनस जो है आपके जो है Uh, जो एंडिंग में जो टर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं जो सफिक्स जो यूज़ किए जाते हैं ठीक है उनको जो है वो डिपिक्ट किया गया है अलग अलग तरीके से ओके दैट इज़ फाइलम है एजोआम क्लास ओडा ओके टाइप स्पीसीज़ ऑफ नोएम मेन जो है टाइप स्पीसीज़ है उनके बेसिस पे फैमिली का जीनस का सब जीनस का ओडर का जो है क्लास का वो नाम जो है एंडिंग नेम जो है और जो सफिक्स जो है वो डिसाइड किया जाता है सो दीज आर द बेसिक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर जो है साइंटिफिक नेम्स का फॉर्मेशन जो है वो होता है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग